गुरदीप सप्पल जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ है। गुरदीप जी, अब नीतीश जी का कहना है और बीजेपी का कहना है कि भाई ये तो बचकाना ट्वीट है, मंत्रियों की संख्या का वैक्सीन की संख्या से क्या लेना देना। अभी मैंने पूरा प्रवचन सुना जिसमें बहुत सारी किस्से कहानियां सुनाई गई, उसको किनारे रखते हैं। अभी सिर्फ मेरे से दो तीन सवाल मेरे हैं। देखिए, 30 जून तक इस देश में 32 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी। सुप्रीम कोर्ट को जो टारगेट पहले दिया था वो कहा था कि हम जुलाई अंत तक 60 करोड़ कर देंगे, यानी कि 28 करोड़ लगेंगे। फिर 27 जून को टारगेट चेंज कर दिया, बोला नहीं 27 करोड़ नहीं कर पाएंगे, हम 19 करोड़ और जून में लगा देंगे। फिर सप्लाई शेड्यूल निकाला, बोला नहीं 19 करोड़ नहीं, हम 12 करोड़ जो है सप्लाई करेंगे जून में। और अब आधा जून होने वाला है और 5 करोड़ वैक्सीन लगी है। अब जितना मर्जी आप बात कीजिए जनसंख्या की, आप बात कीजिए वैक्सीन कितना समय लगता है, सवाल यह जो सरकार की प्लानिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में उसने बोली है, उसको आपने 4 हफ्ते में 4 बार चेंज कर दिया। इसके बारे में ये तो कांग्रेस का कोई आरोप नहीं है ना, ये तो बीजेपी के अपने फिगर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट में दिए। और जहां तक बात करते हैं पॉपुलेशन की, देखिए भारत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है। आज तक जो भी काम हुआ है इस देश के अंदर वो इतनी बड़ी आबादी के रहते हुए हुआ है ना। कभी भी किसी काम के लिए अगर पोलियो वैक्सीन लगनी थी पूरे देश को या कोई भी काम हुआ तो कहीं जनता को हमने विदेश तो नहीं भेजे कुछ हिस्से को, या ये कह दिए कि भारत का साइज छोटा हो गया है। अरे आप हिंदुस्तान की बादशाहत कर रहे हैं भाई, हिंदुस्तान नहीं करते थे ना तब। तो जो भी काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हर चीज इस मुल्क के साइज के हिसाब से होगी। आप इस मुल्क में राज कर रहे हैं। और ये बात सच है, अगर कोई और बीमारी होती तो शायद हम इससे एडजस्टमेंट भी करते, लेकिन कोरोना की खास बात यह है कि अगर कोरोना को आप 80% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनाएंगे, और जो सरकार खुद मानती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं मानती है, जो 216 करोड़ का पहले फिगर दिया था दिसंबर 31 तक, जिसको रिवाइज करके अब 186 करोड़ कर दिया है, वो सरकार ने खुद माना हुआ है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देश में बार बार वेव आएगी, ये तो सरकार भी जानती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हर टारगेट विफल होता है। सुप्रीम कोर्ट में दीपक जी कहा था कि जुलाई महीने में 10 से 12 करोड़ को वैक्सीन की वैक्सीन हम देश को सप्लाई करेंगे, और अब कितना दे रहे हैं, खुद गवर्नमेंट का अभी जो फिगर है वो 2 करोड़ का है। अब 12 करोड़ से 2 करोड़ पे आप खुद आए ना, आपकी प्लानिंग थी 12 करोड़, ठीक है, कांग्रेस ने करके नहीं दी थी, आपने 12 करोड़ की और आप 2 करोड़, ठीक है, यही जवाब देते हैं। सप्लाई नहीं होगी।